सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलशन कुमार है जी। अच्छा, 31 जुलाई की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से आप यहीं के लोकल हैं, क्या चीज़ें हुई थी आप बताएंगे हमें विस्तार से? ऐसा जी, प्लानिंग तो इनकी पहले से ही थी, 10-15 दिन से इनकी जगह जगह मीटिंग हो रही थी। अच्छा। तो मैं 31 तारीख को करीब 10 बजे तावड़ रोड पर बैठा हुआ था, एक होटल है वहाँ पर बैठा हुआ था, तो वहाँ से 10-12 गाड़ी आई थी की भर के, तो मोनू मानेसर को लेके इनकी वो थी कि भाई मोनू मानेसर आ रहा है उसको मारना है। अच्छा। तो हम खाना वाना खा रहे थे, 31 की तारीख की छुट्टी होती बाजार की, तो मैंने कहा चलो अपने यार दोस्तों से बोला भाई यहाँ झगड़ा बढ़ने वाला है, झगड़ा होएगा यहाँ, अपने खा पी के फटाफट निकल लो। तो हम वहाँ से आके निकल गए, आके देखा इधर की तरफ उधम मच रहा था। अच्छा, ये जो अभी हम लोग आ रहे थे रास्ते में, हमें एक रेस्टोरेंट दिखा था जिसपे मेरे ख्याल से आज ही सुबह बुलडोजर चलाई गई थी, तो ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ से भी पथराव किया जा रहा है, बहुत सारे वीडियोस भी सामने। वो मेन बिल्डिंग थी जहाँ से पथराव चला गया था। और ये जो तमाम सड़कों पे ये जो बुलडोज हुआ है, यहाँ से क्या चीजें हुई थी? इसमें दो दो चार चार बंदे घुसे बैठे थे उनके पहले, और कुछ छुपे हुए थे, और मतलब कुछ की ये है कि अवैध जगह पे भी बने हुए हैं। हाँ, ये तो हमें पता चला अवैध निर्माण थे कुछ। कुछ इन अवैध निर्माण था, कुछ अपने बंदे घुसे पड़े थे, तो 4-10 भी। अच्छा, तो इन चीज़ों को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से देश का माहौल होता जा रहा है, किसी भी रामनवमी का त्यौहार हो, ब्रजमंडल यात्रा हो, इस तरीके की हिंसा हो रही है? तो जी, हमारे नहु में खतरा ही बना रहता है कि भाई कोई हम ऐसा नहीं करते कि भाई जो शोर शराब से अपना त्यौहार मना सके खुशी खुशी, ये हमारे त्यौहारों में विघ्न डालती है, किसी त्यौहार को ढंग से ही नहीं मनने देते। सर जी, यहाँ तो हिंदू मुसलमान का इतना ज़बरदस्त भाईचारा है कि आज तक कोई ऐसा मामला ही नहीं आया। अब से पहले यहाँ से कावड़ यात्रा भी निकली है, अब से पहले भी शोभा यात्रा निकली है, इतना बढ़िया भाईचारा है बहुत ज़्यादा। ये तो जो ये मोनू मानेसर है, इसने 2-3 दिन पहले जो स्टेटमेंट अपनी डाली थी, ठीक है जी, और वो पहले ही 302 का मुलजिम है, एक बिट्टू बजरंगी है फरीदाबाद से जी, और वो भी उसने भी यही कहा था कि भाई तुम्हारा जी जा रहा है माला तैयार रखना, बाकायदे लोकेशन बता के आऊँगा, ठीक है जी। ये उससे क्योंकि यहाँ एकता ही इतनी और भाईचारा इतना है, क्योंकि वो लीडर रहे हैं, उन्होंने कभी किसी का बुराई नहीं किया, अच्छे आदमी थे, दिग्गज। खुर्शीद साहब के समय कभी कोई इस तरह की नहीं, कोई कोई तैयब हुसैन साहब यहाँ आए हैं, 3-3 राज्यों में रहे, राजस्थान के लगातार मिनिस्टर रहे, पंजाब में रहे, हरियाणा में रहे, जिनकी इंदिरा जी सम्मान करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जिनका करते थे, खुर्शीद अहमद साहब यहाँ रहे, तो इतने टॉप के रहे, मगर ये जो इस तरह का हुआ ये कैसे हो गया? ये सर, ये सिर्फ यही है जो हुआ है, आज से पहले कोई हुआ ही नहीं। यहाँ हिंदू मुस्लिम की इतनी भाईचारा एकता है, क्योंकि उनकी शादियों में हम जाते हैं और वो हमारी शादियों में आते हैं, मौत जहमत में एक दूसरे का होता है। अब हम बताएं, यहाँ से हमारे जो पड़ोस में गांव है, जो हमारे हिंदू भाई हैं, सारे अक्सर करके दूध लो, सब्जियाँ लो, जो भी आना जाना जैसे भी है, बहुत बहुत तगड़ा भाईचारा है जी, किसी तरीके की कोई ऐसा कोई मैटर ही नहीं है। और हमारे यहाँ जितने भी गाँव हैं, क्योंकि अब आप ये सोचो कि यहाँ मोमडन ज़्यादा बस्ती है, और फिर भी हमारे यहाँ से सरपंच हैं जो वो भी मतलब हमारे यहाँ से हिंदू बनते हैं, जिनकी कहा तो मुसलमानों की वोट 600 हैं, तो उसकी कहा तो 200 ही वोट हैं, फिर भी हिंदू सरपंच बन जाते हैं। ये वो जगह है, आपको ताजुब की बात बता दें, जहाँ पर 1947 में 19 दिसंबर 1947 को महात्मा गांधी यहाँ आए थे और भरोसा गांव गए थे, यहाँ भरोसा गांव, हाँ भासड़ा गांव है, घासड़ गांव, तो वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त उनका वो स्वागत हुआ था। यहाँ पे नेहरू जी भी आए थे, तैयब हुसैन जैसे मिनिस्टर जो पंजाब में और वहाँ हरियाणा में और राजस्थान में लगातार मिनिस्टर रहे, खुर्शीद अहमद साहब जैसे लोग रहे हैं जिनके समय पे जिन पे बड़ा लोग विश्वास करते थे, इंदिरा गांधी अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग उनको सम्मान देते थे, और ऐसी जगह ये इस तरह का झगड़ा होना और इतनी गाड़ियाँ जलना, लोगों मरना एक दूसरे के ऊपर, तो ये यहाँ के रिवाज में ये अभी आया, तो आपका क्या कहना है? यही है सर जी, ये कुछ शरारती तत्व हैं जो भी है, इससे वो हुआ है जी बवाल, नहीं आज से पहले कोई ऐसा मामला नहीं था जी। यहाँ अब भी एक थाली में खाते हैं, एक जगह बैठते हैं, उठते हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर।
और यहाँ ऐसा तो नहीं कि ये यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता का जो वो है एक अपना अलग पैमाना है, तो ऐसा तो नहीं है कि ये राजनीतिक लोगों ने हवा दी हो? कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अराजक तत्व होते हैं हर एक उसमें उनका ये हो। बिल्कुल जी, ऐसा ही हो सकता है जी, हो सकता है सर, हम नहीं कह सकते इस बात को, हो सकता है क्योंकि राजनीतिक से भी हो सकता है, क्योंकि अब चुनाव भी आने वाले हैं, तो जी सर नहीं कह सकते हम इस चीज़ को। बाकी ये पहले कोई प्लानिंग व्लानिंग वगैरह कुछ भी नहीं था, कोई मामला नहीं था, ये सिर्फ उसी दिन जो ये मस्जिद के सामने के निकले हैं, नारे वगैरह दिए हैं, जो भी है तलवार लहराई हैं, इससे ही थोड़ा बवाल फैला है, नहीं तो और कुछ ऐसा आज तक कोई मैटर ही नहीं है यहाँ पर। आप उठा के देख लो यहाँ के इतिहास, कोई ऐसा आज तक कोई मामला नहीं है, यहाँ का कोई पब्लिक नहीं रही जी, ये तो अचारक तत्व ही रहे हैं जी, जैसे भी कोई बाहर भीतर का कोई आदमी आ गया चलता फिरता उसी का रहा है, यहाँ का कोई ऐसा मैटर नहीं है, क्योंकि यहाँ का तो सारे खाने कमाने वाला आदमी है, कोई ऐसा है ही नहीं जी, आम आदमी नहीं रहा, कुछ लोग हर एक उसमें होते हैं जी, वो हिंदुओं में भी होते हैं, मुसलमान में भी होते हैं, वो सिख में भी होते हैं, ईसाई में भी होते हैं, सब में होते हैं जी, वो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का ऐसा कोई मैटर नहीं है। अच्छा, क्या पहले से भी कुछ इस तरह के जो हालात पता चल रहे हैं, जैसे पहले भी कुछ लोगों का ये हुआ, दो लोगों की हत्याएं हो गई थी और कुछ कई जगह तनाव हुआ, तो उसमें कुछ उस तनाव का भी क्या नतीजा रहा? ये जो उसी का नतीजा है, ज़्यादा उसी का नतीजा है जो ये जो दो हत्याएं हुई थी वो राजस्थान में हुई थी, वो जो मोनू मानेसर है वो उस पर मुकदमा भी दायर है और वो खुले घूम रहा है, जो उसने जो इस पर डाली थी स्टेटमेंट डाली थी, जो उसी को पर ये हुआ था कि जो आदमी ने दो हत्याएं हमारी कर दी और फिर भी वो खुला होकर नहीं चैलेंज दे रहा है, जो जलूस था इसमें मोनू मानेसर था, आया था। भाई सुनाई में नहीं दिया कि जी, नहीं दिया सुनाई में, वो आया नहीं, आया वो उसका वो बोल रहा था जी, अगर मैं आया नहीं तो अगर वो कह देता कि मैं नहीं आऊँगा, किसी कारण से नहीं आऊँगा, तो शायद ये दंगा नहीं होता। बिल्कुल सही, हाँ। तो ये राजस्थान से आए हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं कुछ पता नहीं है जी हमें, तो हमारा यहाँ तो सबसे भाईचारा है पूरे हिंदू समाज से, खूब यहाँ से हमारे मतलब है कि अच्छा, उसने कहा होगा कि आने के लिए मगर आया नहीं, नहीं आया नहीं, हमें तो इस बात का पता नहीं, वो नहीं आएगी, हम तो टीवी में देख रहे थे ये कि मैं किसी कारण से नहीं आया, हाँ तो क्या नाम है पता नहीं जी कैसे अब ये हंगामा, उसने फॉर्म मतलब दो दिन पहले डाली थी 27 तारीख को, अब मैं नूँ आ रहा हूँ सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, राजस्थान के और उनको क्या नाम है पहले से ही खून खोल रखा कि उसने कई मुसलमानों को जिंदा जला दिया, मार दिया, तो इसलिए वो कहना में भड़के हुए लोग थे जी। जावेद को तो नहीं जानते हम, कौन है जावेद? जावेद अहमद सोना से, सोना से है वो, तो कोई जावेद अहमद है तो बताते हैं वो थे उसमें? नहीं नहीं नहीं, नहीं हमें तो नहीं पता इस बात का, ऐसा कुछ हमने नहीं, हमने तो ना तो सुना जी और ना हमने पता इस चीज़ को। शोभा यात्रा पे ही झगड़ा हुआ और ये जो जलूस चुके निकला और जलूस पे ये झगड़ा हुआ जी, जलूस पे ऐसा है नहीं जी, हर साल शोभा यात्रा निकलती है, कभी कोई ऐसा कोई दंगा ना फसाद ना कभी नहीं, अभी अभी देख लो आप कांवड़िया निकले, किसी ने कुछ कहा यहाँ, कुछ किसी ने कुछ नहीं किया, वहाँ के 84 के मतलब है कि परकम चल रहे हैं 84 धाम के, कौन से बता मैं, तो वहाँ भी निकल रहे हैं हमारे मुसलमान गांवों में, वहाँ भी अभी कुछ नहीं है, अपने आराम से निकाल रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, अब ये तो क्या कह सकते हैं जी।